कवि नारायण अग्रवाल की बेटी आकांक्षा अग्रवाल के रिसेप्शन में आई हुई हेमा मालिनी ने अपने पति धर्मेंद्र जी को दी बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज बर्थडे धर्मेंद्र जी का बहुत अच्छा। हाँ जी, विश नहीं, उनका बर्थडे तो बहुत ही हमेशा अच्छी तरह से मनाया जाता है। मैं कल मथुरा में थी, लेकिन मैं आज सुबह का फ्लाइट पकड़ के जल्दी से यहाँ आई, क्योंकि टू बी विद धर्म। किस तरह का सेलिब्रेशन हुआ मैम? हमने देखा केक कटिंग हुई फैंस के साथ, बहुत धमाकेदार हुई, क्या कहना चाहोगे इसको लेके? उनके फैंस ऑल ओवर इंडिया इतने हैं, कभी मध्य प्रदेश से, कभी महाराष्ट्र से, भर भर के लोग आते हैं सब, क्योंकि धर्म जी सबसे बहुत अच्छी तरह से मिलते भी हैं, तो लोगों का अच्छा लगता है, सब आके मिल के जाते हैं। थोड़ा पीछे हो जाओ, लाइट दे रहे थे, देना तो एक ही बार, ठीक है, एक मिस्टर मैम, यह सामने हूँ। थैंक यू मैम। सेंटर में एक मैं खड़ा हूँ, मेरा ऊपर मोबाइल है तो क्या होगा? पहले अंदर अंदर मैं नारायण अग्रवाल जी, जो बहुत बड़े कवि हैं हमारे देश के, उनकी बेटी की शादी है आकांक्षा, गेटिंग मैरिड टू शोभित, उनको आशीर्वाद देने के लिए मैं आई हूँ। आज बर्थडे धर्मेंद्र जी का बहुत अच्छा। हाँ जी, विश नहीं, उनका बर्थडे तो बहुत ही हमेशा अच्छी तरह से मनाया जाता है। मैं कल मथुरा में थी, लेकिन मैं आज सुबह का फ्लाइट पकड़ के जल्दी से यहाँ आई, क्योंकि टू बी विद धर्म। किस तरह का सेलिब्रेशन हुआ मैम? हमने देखा केक कटिंग हुई फैंस के साथ, बहुत धमाकेदार हुई, क्या कहना चाहोगे इसको लेके? उनके फैंस ऑल ओवर इंडिया इतने हैं, कभी मध्य प्रदेश से, कभी महाराष्ट्र से, भर भर के लोग आते हैं सब, क्योंकि धर्म जी सबसे बहुत अच्छी तरह से मिलते भी हैं, तो लोगों का अच्छा लगता है, सब आके मिल के जाते हैं। मैम, दुल्हन दुल्हन को किस तरह की बेस्ट विशेस आप देना चाहिए? एक सलाह अगर आपकी बहुत इम्पोर्टेंट होगी, कुछ अगर आप बता सके। जैसे जैसे हेमा जी की और धर्मेंद्र जी की जोड़ी हमारे, वैसे बच्चों की जोड़ी हमारे। हमेशा साथ में रहे, हम तो यही प्रे करेंगे राधा कृष्ण की जोड़ी बन के रहे। गुजरात में भाजपा की सबसे बड़ी जीत हुई। हाँ, जिस बहुत बड़ी जीत हुई, इसके लिए बहुत ही खुशी होती है। हम सब बीजेपी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोग खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। हेमा जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि बहुत बड़ी जीत हुई है, लेकिन हिमाचल की अगर हम बात करें और आप दिल्ली की, तो जो गरीब तबका है वो काफ़ी महंगाई हो, इस तरह के मुद्दे को लेके काफ़ी लोग परेशान थे, गैस सिलेंडर के भाव, तो क्या आप एक मैसेज देंगे कि मोदी जी को कि थोड़ा कम हो, क्योंकि जो मध्यम वर्ग ने मोदी जी देखिए, बोरा गरीब से गरीब परिवार को देखभाल करते हैं, ऐसा हमारा नेता है मोदी जी कभी गरीबों के लिए, गरीबों के हित में ही सारा काम करते हैं, इतना कुछ किया है उन्होंने,
वो महंगाई आगे पीछे जाता है, उसको एक मुद्दा बना के ऐसा कहना बहुत गलत बात है कि गरीब जनता के लिए ही काम करती है हमारी सरकार। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू मैम।